अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपने बी एन डी न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। डालते हैं नज़र खसूसी रिपोर्ट की जानिब। जहानुमा के इलाके में पार्किंग के मसले पर मारपीट, बुरी तरह से ज़ख्मी किया गया। फलनहुमा पी एस हदूद में जहानुमा के इलाके में अवाम मजलूम आवाम पार्किंग के मुद्दे पर हो रही है मारपीट का शिकार। मुर्तज़ा खान ने मीडिया से खिताब करते हुए फलकनुमा पुलिस से अपील की है कि सीसीटीवी फुटेज की खूब सारी इंक्वायरी करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मारपीट का मुद्दा पार्किंग के इशू को लेकर हुआ है, जहां पार्किंग गाड़ियों की छोटी सी बात पर आओ न ताओ सभी पर हाथ चलाते नजर आए आजकल के नौजवान। कहां जा रहा है हमारा फ्यूचर? मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए। आए दिन वारदातों का सिलसिला मुसलसिल जारी शहर हैदराबाद में। तफसीली रिपोर्ट सीनियर रिपोर्टर सैयद इस्माइल की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह के मालूमात के लिए बियाबानी बी एन डी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। वालेकुम, मेरा नाम है मुर्तज़ा खान है, जहानुमा में रहता हूँ मैं और हार्डवेयर की दुकान पे करता हूँ। हम जो है आज जो है मेरे साथ जो है घर के पास गाड़ी रखा तो भांजा हमारा जो है उसके हादसे बहस हुई तो उसमें मैं गया। बीच में आकर जो है लोग चार पांच जने थे, आके जो है आज मुँह पे जो है हमला कर दिए और चार पांच दांत टूट गए और सर पे मार लगा, होठों को मार लगा, होठों हो गए सर। फलकनुमा पीएस लगता है मेरे को, हाँ कंप्लेंट हो गई सो है, दे दिए है, ये रिपोर्ट लेकर आओ बोल के बोले है। अल्लाह ये रिपोर्ट लेके आओ दवाखाने की वजह। पार्किंग ही है उससे? नहीं नहीं, कोई पार्किंग ही है, पार्किंग की वजह से, गाड़ी रखने की वजह से पूरी वो गाड़ी की वजह से आज इतना बड़ा हो गया है काम। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं कि गाड़ियां नहीं रखना बोलते? गाड़ी नको रखो बोल के वो ऐसा है। कितने लोग थे उन लोग? जो है चार पांच जने थे, लोग भाया चार पांच भाया थे लोग। आप लोग कौन थे? अच्छा कितने लोग थे? हम लोग जो है दो जने थे। तो आपको कहाँ कहाँ मारा था? मेरे को जो है मार जो है सर पे लगा है, मुंह पे लगा है और दांतों पे वो लगा सो है मार। किस चीज से मारे वो लोग? उन लोग जो है मेरे को महसूस नहीं हुआ कैसा मारे, मैं ऐसा नहीं, मैं इनको मारने जा रहे हैं तो मैं इनको खींचने जा रहा था, उधर से आके जो है भाई उनके एक मार दिए, महसूस नहीं हुआ उसके बाद। पार्किंग की वजह और कुछ भी नहीं है, कुछ कैमरा तो है लगे हुआ, उनके घर का ही था कैमरा लगे हुआ, गाड़ी रहती वो है। मैं जो है फलकनुमा पीएस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ये मेरे को मारे हैं करे है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो है, और कौन है इसका देखो, देख के उसको सजा दियो आप, क्या मेरी गलती है या उसकी गलती है, देख के जो भी है। मैं फलकनुमा पीएस साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे को जो है इसका मिलना है और आइंदा ऐसा मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए।